अब हम इस टॉपिक का अगला कांसेप्ट स्टार्ट करेंगे इसमें हम टू गिवन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें माना पॉइंट ए एंड पॉइंट बी कुछ इस प्रकार प्रेजेंट हैं अब हमें इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करनी है माना पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर है ए वैक्टर एंड पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर है बी वैक्टर एंड लाइन पर प्रेजेंट एक और पॉइंट पॉइंट है point P, है पी जिसका आर वैक्टर अब ट्रैंगल ओ ए पी में हम ए पी वैक्टर को लिख सकते हैं ओपी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर जिसमें ओपी वैक्टर एंड ओ ए वैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर वी गेट AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर अब ट्रायंगल OAB में देखें तो AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर जिसमें OA वेक्टर एंड OB वेक्टर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर वी गेट AB वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर यदि हम AB वेक्टर एंड AP वेक्टर को ऑब्जर्व करें तो हमें मिलेगा कि ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं दैट मींस हम लिख सकते हैं ए पी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए बी वेक्टर जहां लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर है अब यदि हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें कुछ इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी जिसे सिंपलीफाई करने पर वी गेट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अब यह जो इक्वेशन हमें मिली है वह टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है अब हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे इसके लिए माना पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड तब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर होगा एक्स वन कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप अब माना पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2 तब पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर होगा x2 i cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap एंड माना पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y कॉमा z तब पी का पोजीशन वेक्टर होगा x i cap प्लस y j cap प्लस z k cap अब वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर r की वैल्यूज को लाइन के वेक्टर फॉर्म में सबस्टिट्यूट करने पर हमें कुछ इस प्रकार की एक इक्वेशन मिलेगी जिसे सिंप्लीफाई करने पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं अब दोनों साइड आई कैप जे कैप एंड के कोफिट को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा इन टू जेड टू माइनस जेड वन अब यदि हम प्रत्येक इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू फाइंड करें तो हमें यह रिजल्ट मिलता है हम यहां से ऑब्जर्व करें तो हमें यह मिलेगा कि ये सभी वैल्यूज लेमडा के इक्वल है सो लेमडा को एलिमिनेट करके हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं एंड यह जो इक्वेशन हमें मिली है वह कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास होती है जहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 यहां x2 x1, y2 y1 एंड z2 z1 इस लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं सो so, टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म कुछ इस तरह से डिफाइन होती है